देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मौसले की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। इसका नाम मिर्जा हाशिम अली बेग 31 साल मुस्तफा नगर वटापल्ली का साकिन। ये इस केस में A3 है जबकि A1 A2 फरार इख्तियार किए हुए हैं। गुलाम मोइनुद्दीन के शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको हिरासत में लिया और बाद अजां अदालती तहवील में दे दिया। इस पर इल्जाम है कि ये इनकी जमीन कब्जा कर चुका था और इनकी जगह नकली दस्तावेज लगाकर अपना नाम चढ़ाया था। आइए सुनते हैं गुलाम मोइनुद्दीन की कहानी उन्हीं की जुबानी। अहमद के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। गुलाम मोइनुद्दीन, मैं प्रोफेशन के हिसाब से हकीम हूँ और मेरा जो है लुकमान क्लिनिक के नाम से बहादुरपुर में और एबिट्स पे क्लिनिक है। मेरे वालिद साहब भी हकीम थे। 1977 में मेरे वालिद साहब को एक शाह साहब आके बोले कि मेरी ज़मीन है, मेरे बाजू दो लोग अहमद हुसैन खुर्शी हुसैन ज़मीन बेच रही, वो ज़मीन खरीद लो और मैं जो है साथ में काश करता हूँ बोल के 1977 में मेरे वालिद साहब को ज़मीन दिला दी है। मेरे वालदा के नाम पर ज़मीन खरीदी आयशा बेगम को, तो उसकी कोर्ट डिग्री हुई। कोर्ट डिग्री होने के बाद में हम लोग उसके ऊपर काश करने लगे, तो 1984 तक हम लोग उसके ऊपर काश करने के बाद अहमद हुसैन, खुर्शीद हुसैन और शरफुद्दीन मिल के और किसी के नाम पे ये पूरी ज़मीन 13 एकड़ 11 घंटे पूरी और किसी सैयद मसूली के नाम पे करा दी। सैयद मसूली के नाम पे कराने के बाद में हमको इत्तला नहीं हुई उसकी। हमारा इत्तला हुए तक 2007 में इत्तला हुई कि हमारी ज़मीन के ऊपर और किसी का जो है नाम आ गया और उसके ऊपर से ये हमारा नाम कट गया। हम जाके पूरी छानबीन करने के बाद में हम RDO में केस करें। केस करने के बाद RDO से जो है ऑर्डर आया कि जो है आज क्या हुआ, तो उसके बाद में हम जो है RDO के बाद से आए। RDO MRO को लिखा, MRO क्या करा, ये पोलियोटेड डिग्री है अहमद हुसैन खुर्शी हुसैन शरफुद्दीन की, ये इसको नहीं मानी जा रही कानून की निगाह में, बोल के ये हमारा नाम फिर से वापस पट्टा पासबुक इशू करके पानी में नाम लिख दिया। जब हम ज़मीन के ऊपर गए देखे तो जो है और साहब जो है उसके ऊपर उनके पास पुराने पेपर थे 1993 के, उसके ऊपर जब हम सर्वे नंबर बना 118 का नाम काट करके 120 बना के हमारी 3 एकड़ 24 घंटे ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बैठ गए। तो हम उसके आगे पुलिस स्टेशन पहाड़ी शरीफ में कंप्लेंट करा। कंप्लेंट करने के बाद में यहाँ पे जो है उसके ऊपर FIR फाइल हुआ 151 ऑफ 2017। होने के बाद में आज जो है वो लोगों को जो है पूरे इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में आज अरेस्ट करें। अरेस्ट करने के बाद में जो है आज जो रिमांड करने के लिए जा रही है और इसमें जो है साथ साथ ये जो हाशिम अली बेग है इनके वालिद वालदा इब्राहिम अली बेग और राशिदा बेगम ये दोनों भी इन्वॉल्व है। कि मेरे को समझ में ये नहीं आता कि अपन माँ बाप जो है बच्चों को कैसा गलती करने पर अपन गलती करते हुए अपने बच्चों को भी जो है गलती की तरफ लेके जा रहे हैं। ये अब इस्लाम में ये बहुत बड़ा गुनाह है कि किसी और की ज़मीन के ऊपर जाके कब्जा करके उसके ऊपर ले लेना। तो और जो है जब यहाँ पर मैं पहुँचने के बाद में यहाँ क्राइम टुडे से जो है न्यूज़ वाले भी यहाँ पर थे, तो इन्होंने भी जो है आके जब मेरे से लिया तो मेरा और दिल खुश हुआ कि मैं और लोगों तक जो है इस क्राइम न्यूज़ के ज़रिए जब ये पहुँचा सकूँ कि जो है जब भी काम करो अल्लाह को जो है हाजिर नाजिर जानो। अल्लाह ताला दो फरिश्ते बिठा रखा है किरामन कातिबीन, ये लिखते हैं कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है आप लोगों से भी कि जब ये मेरा सुनने के बाद में अपनी ज़मीन की हिफाजत करिए कि मेरे वालदा की मिजाज ख़राब होने की वजह से हम ज़मीन पे नहीं आने की वजह से आज ये इतने हमको जो है 40 साल से हम उससे क्रिएट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है एक हमारी कामयाबी मिली है कि पुलिस ने हमारी बहुत ज़बरदस्त मदद की और जो है ये जो है इनको पकड़ के आज जो है रिमांड कर को लेके जा रहे हैं। सच की तलाश का नाम आपका अपना क्राइम टुडे न्यूज़।